हेलोवीन नाइट के साथ ही इस मूवी का स्टार्ट होता है, जहां पर सिटी के सारे लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं पर हमें तीन फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं और वो भी हेलोवीन को सेलिब्रेट कर रहे। वो फ्रेंड्स एक ट्रेन के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जो कोई आम ट्रेन नहीं थी बल्कि खास किस्म की ट्रेन थी और वो काफी मिस्टीरियस ट्रेन थी। इस ट्रेन में हेलोवीन की पार्टी सेलिब्रेट की जाती थी और खास बात तो ये है कि जो लोग भी इस ट्रेन में पार्टी करने के लिए आते हैं उन्हें पुराने जमाने के कपड़े पहनकर आने होते। इसके अलावा ट्रेन में बहुत सी इंटरेस्टिंग किस्म की गेम्स खेले जाते और इस ट्रेन की सर्विसेज लाइक खाना पीना सब फ्री होता था। लेकिन इस ट्रेन का टिकट काफी कॉस्टली था और सिर्फ अमीर लोग ही इसमें सफर किया करते और वो तीनों फ्रेंड्स भी इतने रिच नहीं होते कि वो इस ट्रेन का टिकट परचेज कर सके। इसीलिए उनमें से दो फ्रेंड्स तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनकी एक फ्रेंड अभी भी वहीं पर खड़ी होती है और वो लड़की काफी गौर से ट्रेन को देख रही होती है। तभी हम वहाँ पर ट्रेन के कुछ पैसेंजर्स को देख पाते हैं जिन्होंने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। वो सारे पैसेंजर्स ट्रेन के डोर के पास आकर खड़े हो जाते। तभी वहाँ पर आता है कंडक्टर और उन सभी पैसेंजर्स को ट्रेन के अंदर लेकर जाता है। ट्रेन के अंदर सभी पैसेंजर्स का काफी अच्छे से वेलकम किया जाता है। उन पैसेंजर्स में एक छोटी लड़की थी जिसका नाम था एबिगेल। एबिगेल के पेरेंट्स उसके साथ वहाँ पर नहीं आए थे, इसीलिए उसकी केयर टेकर उसके साथ वहाँ पर आई थी। एक और लड़की जिसका नाम था एवलिन और वही कहानी की मेन कैरेक्टर है। और एवलिन ने खुद ये टिकट नहीं खरीदा होता बल्कि उसकी फ्रेंड ने उसे क्रिएट कर दिया होता। वहाँ पर एक ऐसा पैसेंजर भी था जो इस ट्रेन में 14 बार आ चुका था और इस बार वो 15वीं बार आ रहा था। जिस पर एबिगेल उसे पूछती है कि आप इस ट्रेन में इतनी बार आए हैं तो क्या आप बोर नहीं होते। जिस पर वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रेन में हर बार कुछ मजे का कुछ नया होता है। तभी एक फोटोग्राफर वहाँ पर आकर उन सबकी एक ग्रुप फोटो लेकर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि सारे के सारे पैसेंजर्स ट्रेन में आ चुके थे, इसीलिए कंडक्टर ड्राइवर को सिग्नल देता है कि वो ट्रेन चला दे। इसके बाद ट्रेन चल पड़ती है। इसके बाद उन लोगों को डिनर दिया जाता है और ड्रिंक दी जाती है, लेकिन एवलिन को अपने टेबल पर एक कॉकरोच नजर आता है। लेकिन पलक झपकते ही वो कॉकरोच गायब हो जाता है। इसके बाद एवलिन प्लेट उठाती है और प्लेट के नीचे भी उसे बहुत सारे बग्स बहुत सारे कॉकरोचेस नजर आते हैं। और हैरत की बात तो ये होती है कि इस बार देखने पर फिर से वो कॉकरोचेस गायब हो जाते हैं सडन। और तो और वो बग्स वो कॉकरोचेस सिर्फ एवलिन को ही नजर आ रहे थे और कोई उसे नहीं देख पा रहा था। तभी ट्रेन की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और अब वहाँ पर उस शो का होस्ट आता है और वो सभी पैसेंजर्स के सामने अपने सारे ग्रुप मेंबर को इंट्रोड्यूस करवाता है। और बस थोड़ी ही देर तक वो लोग शो स्टार्ट करने वाले। होस्ट उन पैसेंजर से काफी अजीब तरह की बातें करने लगता है हिंट्स में। वो कहता है कि हो सकता है कि यहाँ से कोई भी बचकर वापस न जाए और अगर वो बच भी गए तो जैसे वो लोग यहाँ पर आए हैं वो वैसे नहीं जाएंगे। एबिगेल नोटिस करती है कि उसके हाथ से खून आ रहा है, लेकिन एबिगेल जब अपना हाथ दोबारा देखती है तब वहाँ पर कोई खून नहीं होता, उसका हाथ ठीक हो गया। एबिगेल विंडो से बाहर किसी अजीब चीज को नोटिस करती है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई खतरनाक किस्म का क्रिएचर है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद उस ग्रुप का शो स्टार्ट हो जाता है और अब शो का होस्ट अपना शो स्टार्ट करने वाला होता है और एक बार फिर से ट्रेन की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है, लेकिन इस बार ज्यादा देर के लिए लाइट चली जाती है। लेकिन जैसे ही लाइट आती है तो हम देखते हैं कि वो होस्ट नीचे गिरा हुआ है उल्टा होकर और उसकी बैक साइड पर एक चाकू घुसा हुआ है। ग्रुप के मेंबर पैसेंजर्स को बता रहे होते हैं कि हमारा होस्ट मर चुका है, लेकिन सभी पैसेंजर्स इसे शो का हिस्सा समझते हुए इंजॉय कर रहे थे। और तभी वहाँ पर कंडक्टर आता है और वो होस्ट की बॉडी को वहाँ से लेकर किसी दूसरे ट्रेन के डब्बे में चला जाता है। तभी उन लोगों में से एक आदमी उठता है और वो अपनी गन निकालता है और सबको कहता है कि वहाँ पर चुपचाप होकर बैठ जाए। सब पैसेंजर्स इसे भी शो का हिस्सा समझकर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ग्रुप के बाकी मेंबर ये देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वो आदमी उनके ग्रुप का तो नहीं था और ना ही वो उसे जानते थे। ग्रुप की एक फीमेल मेंबर सबको बताती है कि ये हमारे शो का हिस्सा नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती वो आदमी उसे पंच मारकर उसका मुंह बंद करवा देता और वो सब पैसेंजर्स को कहता है कि अपनी सारी कीमती चीजें लाइक ज्वेलरी एक बैग में डाल दे। यहाँ पर सारे ग्रुप के मेंबर और पैसेंजर्स ये समझ चुके थे कि ये आदमी एक रॉबर है जो ट्रेन को लूटने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन कोई भी अपनी एक्सपेंसिव चीजें उसे देने के लिए तैयार नहीं था। और वो एक पैसेंजर के हाथ में गोली मार देता और वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है उसे वो गन पॉइंट पर ले लेता, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का उठता है और उसे ऐसा करने से मना कर देता है। और इस लड़के का नाम होता है थॉमस, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आया था। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि थॉमस असल में उस रॉबर का साथी है। इसका मतलब ये है कि वो दोनों रॉबरी करने के लिए इस ट्रेन में आए, लेकिन थॉमस ये बात नहीं जानता था कि उसका पार्टनर किसी को शूट कर देगा, इसीलिए वो उस रॉबर यानी अपने पार्टनर पर बंदूक तान देता। लेकिन तभी यहाँ पर एक और राज रिवील होता है कि
वो लड़की जिसे अभी कुछ देर पहले गन पॉइंट किया हुआ था, वो भी उस रॉबर के साथ मिली हुई थी जो फीमेल रॉबर थी। और ये सारा किया धरा इस फीमेल रॉबर का ही था, सारा प्लान इसका था, इसीलिए वो थॉमस से गन स्नैच कर ली थी। उस फीमेल रॉबर ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वो जानती थी कि इस ट्रेन में सिर्फ अमीर लोग ही सफर करते हैं, इसीलिए उसने रॉबर और थॉमस के साथ यहाँ पर रॉबरी करने का प्लान बनाया। अब यहाँ पर वो फीमेल रॉबर अपने साथी रॉबर को कहती है कि वो ड्राइवर के पास जाए ताकि वो ट्रेन को रोक सके। फिर वो फीमेल रॉबर एक फीमेल पैसेंजर को कहती है कि अपनी सारी ज्वेलरी, सारी कीमती चीजें मुझे दे दो, लेकिन वो फीमेल पैसेंजर ऐसा करने से इनकार कर देती है, जिसकी वजह से वो फीमेल रॉबर उसे शूट कर देती। फिर वो फीमेल रॉबर सब पैसेंजर्स का सारा कीमती सामान ले लेती है और वो सब पैसेंजर्स डर जाते। दूसरी तरफ वो रॉबर ड्राइवर्स को गन दिखाकर ट्रेन रोकने के लिए बोलता, लेकिन वो ड्राइवर ऐसा नहीं करते, उसकी बात नहीं मानते और समझदारी का मुजाहिरा करते हुए वो उस रॉबर पर अटैक कर देते, जिसकी वजह से उस रॉबर का गला कट जाता है और वो मर जाता है। लेकिन मरते मरते वो रॉबर उन दोनों ड्राइवर्स पर शूट करके उन्हें मार डालता है। और अब ट्रेन को चलाने वाले दोनों ड्राइवर्स भी मर चुके और अब बगैर किसी के चलाए ही बड़ी स्पीड से ट्रेन आगे बढ़ रही थी। कंडक्टर सबको बता रहा होता है कि ट्रैक पर एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जिसके लिए ट्रेन की स्पीड को कम करना होगा, लेकिन ट्रेन तो बहुत स्पीड से चल रही है। इसका मतलब ये है कि दोनों ड्राइवर्स मारे जा चुके। इसका मतलब ये है कि जब वो मोड़ आएगा तो ट्रेन ट्रैक पर से उतर जाए, जिसकी वजह से हम सब मारे जा सकते हैं। और वो सबको ये भी सोल्यूशन बताता है कि अगर हम ट्रेन के सबसे पीछे वाले डब्बे में चले जाए तो हम बच सकते हैं। लेकिन वो फीमेल रॉबर ऐसा करने को तैयार नहीं थी। वो सबको कहती है कि कोई नहीं जाएगा यहाँ से, सब अपनी अपनी जगह पर ही बैठे हैं। लेकिन जैसे ही थॉमस को मौका मिलता है वो उस फीमेल रॉबर पर अटैक कर देता, जिसकी वजह से सबको वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता। इसीलिए सब एक एक करके ट्रेन के पीछे वाले डब्बे में आ जाते। वो सब लोग ट्रेन को और एक दूसरे को काफी मजबूती से पकड़ ले और तभी वो मोड़ आ जाता है और ट्रेन ट्रैक पर से उतर जाती। और ट्रेन के जिस डब्बे में ये होते हैं वो सीधा जाकर पूल में गिरती है। इस एक्सीडेंट में कंडक्टर के साथ कुछ और लोग भी मारे जाते हैं और कुछ इंजर्ड भी हो जाते। और अब ट्रेन के उस डब्बे में पानी भी भरने लगता। एक पैसेंजर तो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और ये वही पैसेंजर होता है जिसके हाथ पर उस रॉबर ने शूट किया था। और जो पैसेंजर यहाँ पर 15वीं बार आ चुका था उसका पैर भी वहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका था। तब एबिगेल के साथ साथ उस पैसेंजर को भी किसी बड़े मेंढक के बोलने की आवाज सुनाई देती है। फिर थॉमस वहाँ से निकलने के लिए सेफ रास्ता ढूंढता है, लेकिन एक पैसेंजर को थॉमस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसी वजह से वो थॉमस को मारने लगता क्योंकि वो भी तो एक रॉबर था और उन रॉबर्स के साथ ट्रेन को यहाँ पर लूटने आया था। और इन तीनों की वजह से ही वो सारे के सारे इस मुसीबत में फंस चुके थे। फिर वो पैसेंजर एक एक्स की मदद से इस ट्रेन का एक डोर तोड़ देता, लेकिन बाहर चारों तरफ पानी के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आया। अब इसके अलावा उनके पास और कोई सोल्यूशन नहीं होता कि वो पानी में जाए और तैरते हुए किनारे तक पहुँच जाए, लेकिन वहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि ठीक से वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फिर एक पैसेंजर डिसाइड करता है कि वो जाकर ये पता लगवाएगा कि आखिर किनारा है किस तरह, इसीलिए वो एक टॉर्च लेता है और पानी में कूद पड़ता है। थोड़ी दूर जाते ही उसे ये पता चल जाता है कि किनारा आखिर है कहाँ पर। फिर वो दोबारा से ट्रेन के डब्बे की तरफ आ रहा होता है, लेकिन उसे पानी में किसी की आहट महसूस होती है। वो सबको कहता है कि पानी में कोई खतरनाक क्रिएचर है, इसीलिए वो तेजी से ट्रेन के डब्बे की तरफ आ ही रहा होता है कि एक क्रिएचर उसे पानी में खींच कर ले जाता है। अंदर जाकर एबिगेल सबको ये बात बता रही होती है कि मैंने उस क्रिएचर को देखा है और वो एक पैसेंजर को पानी में खींच कर ले गया। वो कहती है कि मैंने उस क्रिएचर का सिर्फ हाथ देखा है, इसीलिए मुझे नहीं पता। तभी ग्रुप के एक मेंबर को कोई पानी में खींच कर ले जाता है। तब फीमेल ग्रुप मेंबर उसे बचाने के लिए पानी में जाती है, लेकिन एवलिन उसे जल्दी से पानी से बाहर आने के लिए बोलती है। लेकिन इससे पहले कि वो पानी से बाहर आ पाती, एक क्रिएचर आकर उस फीमेल ग्रुप मेंबर को अपने साथ पानी में ले जाने की कोशिश करता है। इन किसी तरह वो फीमेल मेंबर खुद को आजाद करवा लेती है उस क्रिएचर से और जल्दी से बाहर आने की कोशिश करती है। एवलिन उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है। एवलिन उसके दोनों हाथों से पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। अब क्योंकि वो क्रिएचर काफी पावरफुल था, इसीलिए वो उस फीमेल मेंबर को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे एवलिन के हाथ में अब सिर्फ उस फीमेल मेंबर के हाथ ही रह जाते, जबकि बाकी पूरी बॉडी वो क्रिएचर ले जा चुका था। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्रिएचर है कौन। तभी वो क्रिएचर फिर से आता है और अब वो एवलिन पे अटैक करता है, लेकिन थॉमस एक गन लेकर उस क्रिएचर को शूट कर देता है, जिससे वो क्रिएचर दोबारा से पानी में चला जाता। लेकिन ये लोग बुरी मुसीबत में फंस चुके थे क्योंकि वहाँ पर पानी भरता ही जा रहा और थोड़ी देर के बाद ये लोग उसमें डूबकर मरने वाले। अब क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए ये पानी में कूद जाते हैं और किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन थॉमस जो कि उस पैसेंजर की हेल्प के लिए रुक जाता है जिसका पांव वहाँ पर फंसा हुआ, ये वही पैसेंजर था जो कि 15वीं बार वहाँ पर आया था। देखते ही देखते ट्रेन का वो पूरा डब्बा
सारा पानी से भर जाता है और वो क्रिएचर एवलिन पर दोबारा से अटैक करता है। लेकिन इस बार एबिगेल की केयर टेकर उसकी हेल्प करती है और एवलिन को बचा लेती है। थॉमस उस पैसेंजर को बचा लेता है जिसका पांव फंसा हुआ था और वो सब लोग बिल्कुल सेफ किनारे पर आ जाते हैं। लेकिन उनके आगे बढ़ने से पहले ही वो क्रिएचर एक बार फिर से उन पर अटैक कर देता है और इस बार वो एबिगेल को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन एबिगेल को बचाने के लिए उसकी केयर टेकर और थॉमस पानी में कूद जाते हैं और फाइनली वो एबिगेल को बचा भी लेते हैं। लेकिन वो क्रिएचर एक बार फिर से एबिगेल पर अटैक करने वाला होता है और एबिगेल की केयर टेकर उसे बचाने के लिए उस क्रिएचर के आगे खुद आ जाते हैं, जहाँ पर वो क्रिएचर एबिगेल की केयर टेकर पर अटैक करके उसे अपने साथ ले जाता है। अब इन्हें डर पड़ जाता है कि कहीं वो क्रिएचर दोबारा ना आ जाए, इसीलिए ये लोग जल्दी से जंगल की तरफ भागने लगते हैं। वहाँ पर उन्हें एक पुराना घर मिलता है और उस क्रिएचर से जान बचाने के लिए वो लोग अंदर चले जाते हैं। वो घर काफी पुराना और काफी गंदा था। सर्वाइवल पैसेंजर को वहाँ पर खाने का एक बॉक्स मिलता है और वो उस खाने को खाने लगता है। फिर ये सब लोग अलग अलग होकर उस घर को चेक करने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद ये लोग फिर से इकट्ठे हो जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर वो पैसेंजर नहीं है जो खाना खा रहा था और वहाँ पर सिर्फ उसका लाइटर पड़ा हुआ था। वो उसे ढूंढने लगते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। लेकिन वो देखते हैं कि वो क्रिएचर उस पैसेंजर को निगल रहा है और अब सिर्फ वहाँ पर तीन लोग ही रह गए थे, एबिगेल, थॉमस और एवलिन। ये तीनों भागते भागते एक अंडरग्राउंड जगह में आ जाते हैं। अब एबिगेल और एवलिन तो वहाँ से जा चुके होते हैं लेकिन थॉमस पीछे रह जाता है और वो क्रिएचर अब थॉमस को भी पकड़ लेता है। एबिगेल और एवलिन जाकर खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है जबकि वो क्रिएचर बाहर खड़ा हुआ उनका वेट कर रहा होता है। एबिगेल समझ चुकी थी कि वो भी इस क्रिएचर का शिकार बनने वाले हैं, इसीलिए वो खुद को उस क्रिएचर के हवाले कर दे। उसके बाद एवलिन की जब आंखें खुलती हैं तो सुबह हो जाती है। वो क्रिएचर सिर्फ अंधेरे में ही आया करता था। अब इससे पहले कि दोबारा से रात हो जाए, अंधेरा हो जाए और वो क्रिएचर फिर से आ जाए, एवलिन बगैर कोई देरी किए जंगल की तरफ भागने लगी। जंगल से भागते भागते वो ट्रेन के ट्रैक पर पहुंच चुकी थी। उस रेलवे ट्रैक को फॉलो करते करते वो उस रेलवे स्टेशन पर आ जाती है जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम इस ट्रेन में बैठी। लेकिन अब काफी रात भी हो चुकी थी। स्टेशन पर काम करने वाली एक वर्कर एवलिन की हेल्प करती है और वो एवलिन को एक रूम मिले जाती है। वो लड़की एवलिन से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की, जिस पर एवलिन बताती है कि हमारे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था और बाद में एक क्रिएचर ने हम पर अटैक कर दिया। एवलिन की ऐसी बातें सुनकर वो लड़की समझ जाती है कि ये लड़की सदमे में है इसीलिए ऐसा बोल रही है। फिर वो वर्कर अपनी बाकी साथियों को बुलाने के लिए वहां से चली जाती है। एवलिन वहां से भागने के लिए डोर ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा तो बाहर से बंद होता है। फिर वो लड़की अपने सीनियर्स के पास चली जाती है। वो बताती है कि वहां पर एक लड़की आई है जो कि काफी इंजर्ड है और उसकी हालत भी काफी खराब है और वो बता रही है कि मेरे साथ बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ है, क्रिएचर वगैरह। ये सुनकर वो सब लोग दोबारा से एवलिन के पास आ जाते हैं जो कि अभी तक दरवाजा ही खोल रही, लेकिन एकदम से सब कुछ रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जब वो लड़की दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एवलिन होती ही नहीं है क्योंकि वो गायब हो चुकी। यहाँ पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की कैसे गायब हो गई क्योंकि यहाँ तो सारे दरवाजे बंद थे। लेकिन उनके सीनियर को सारी बात समझ आ गई थी और वो उन्हें एक जगह पर लेकर जाता है और उन्हें एक ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में बताता है कि आज से तकरीबन 96 साल पहले इसी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन जा रही थी जिसका एक्सीडेंट हो गया किसी मोड़ की वजह से, जिसकी वजह से पूरी की पूरी ट्रेन पुल में जाकर गिर गई। और हैरत की बात तो ये है कि उन सब पैसेंजर्स की डेड बॉडीज गायब हो गई थी अपने आप से और उन पैसेंजर्स में से एक थी एवलिन। इसके बाद उस ट्रेन को पानी में से निकाल लिया गया और उसे रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया गया और बाद में उसी ट्रेन को एक म्यूजियम बना दिया और मेमोरियल के तौर पर सभी पैसेंजर्स के सामान को इस म्यूजियम में रख दिया गया। और तभी हम उस ग्रुप पिक्चर को भी देख पाते हैं जो कि उन सभी पैसेंजर्स के थे, यानी जो कुछ हमने देखा वो रिसेंटली नहीं हुआ था बल्कि 96 साल पहले का इंसिडेंट था। अब क्योंकि एवलिन सर्वाइवर थी इसीलिए उसकी सॉल इधर उधर भटक। इसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी हम अचानक से वहाँ पर उस ट्रेन के होस्ट को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर शोज किया करता था। और बस इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।